हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भरते बाजार। क्वालिटेक लैब लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिला। इसकी जीएमवी देखें तो इसकी जीएमवी आज 60% प्रीमियम के साथ है। 9:30 बजे 9:23 का जीएमवी अपडेट है। 60% प्रीमियम के साथ 160 पर ट्रेड करी थी। कट ऑफ प्राइस इसकी 100 रूपए, लेकिन लिस्टिंग गेन मिला है। इस एक आईपीओ लिस्ट हुआ है 190 पर, यानी कि पर शेयर 90 रूपए की बेनिफिट दिया है। 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है और अभी यहाँ पर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से देखें तो 100% का लगभग बेनिफिट दे दिया है। लेकिन लिस्टिंग के बाद अगर हम लोग इसको मेजर करें तो 5% हायर सर्किट में, अपर सर्किट में क्लोज किया है आईपीओ। तो फिर इसकी अगेन नेक्स्ट डे भी हमें अपर सर्किट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीएसई या फिर एसएमई आईपीओ की एक बड़ी निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट बोलने, जब अगर आईपीओ लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट में क्लोज किया तो लगातार 4 से 5 दिन अपर सर्किट में ही निकलते जाएगा। अगर लोअर सर्किट में क्लोज किया तो फिर ये लोअर सर्किट में ही निकलते जाएगा। जैसे कि मैक्स पोजर आईपीओ जो लिस्ट हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा मिला था। लगभग 4.5 गुना का लिस्टिंग गेन दिया था। इसकी कट ऑफ प्राइस 33 रूपए थी, लिस्टिंग 145 पर हुई है। और अभी यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद ये लोअर सर्किट में क्लोज किया था और आज लगातार ये चौथा दिन है कि ये लोअर सर्किट में है। ओपन हुआ भी लोअर सर्किट के साथ, क्लोज भी लोअर सर्किट के साथ ही हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, कोई प्राइस का मोमेंटम नहीं हुआ। तो ऐसे में आईपीओ से आउट होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर लोअर सर्किट में निकल जाती है तो धड़ाधड़ हमारा प्रॉफिट खाते चला जाता है, लेकिन अगर अपर सर्किट में निकलती है तो फिर हमारे लिए बेहतर होता है कि हमें बेनिफिट मिलते जा रहा है। अभी यहाँ पे देखें तो इस आईपीओ में हमारा स्टॉप लॉस है 110 से 105 के रेंज में स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर नहीं हुआ, प्राइस में यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं हुआ, इसी तरह से लोअर सर्किट में ओपन हुआ क्लोज हुआ, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट हमारे हाथ से चले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। बेहतर है कि अगर इस पॉइंट पर 10 से 12 के रेंज में अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाकर कुछ उछाल लेती तो फिर ठीक है, या फिर प्राइस का मोमेंटम होती है तो फिर यहाँ पर आउट हो सकते हैं, नहीं तो या फिर लोअर सर्किट में क्लोज होते जाएगा और हमारा प्रॉफिट खाते जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आज क्वालिटेक लैब आईपीओ की ओपनिंग के लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट में क्लोज किया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे भी ये अपर सर्किट लगाने वाला है, जो की हमारे फेवर में होगा। अभी यहाँ पे देखें तो 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद 5% का अपर सर्किट लगा है। अगर कट ऑफ प्राइस हम लोग मेजर करें तो 100% का यहाँ पर बेनिफिट दे दिया है, लेकिन लिस्टिंग के बाद 5% और उछाल लिया है। तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अभी 199.50 पे ट्रेड कर रही है, अपर सर्किट में क्लोज किया। कल डेफिनेटली यहाँ पर एक अपर सर्किट चांस है, ऐसा 90% चांस है कि ये अपर सर्किट में ही कल ओपन होगा, क्लोज होगा, या फिर फ्लैट ओपन होकर के अपर सर्किट में क्लोज करेगा। अभी जिस पॉइंट पर ट्रेड कर रही है, अभी हमारे पास लगभग 100 पॉइंट्स का प्रीमियम है, तो जिस पॉइंट पर ट्रेड कर रही है उस पॉइंट से हम लोग 5 लगभग 10% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 180 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर 180 का यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो फिर यहाँ पर ट्राई करे कि इस आईपीओ से निकल जाए, नहीं तो लोअर सर्किट में क्लोज करते जाएगा और हमारा पैसा खाते जाएगा। तो बेहतर है 180 का स्टॉप लॉस बहुत ही परफेक्ट है। 10% प्रीमियम का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जिस पॉइंट पर भी होल्ड करिए, ट्रेड करिए, उस पॉइंट से 10% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस प्राइस आएगा 180-178 के रेंज में। 178 से 180 का हमारा रेंज है इस पॉइंट में, इस रेंज में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस रेंज का ब्रेकडाउन करते ही आउट हो जाना चाहिए फुल क्वांटिटी से। अगर नहीं तो अगर ये अपर सर्किट में निकलते जाता है तो फिर अगेन यहाँ पर 10 से 15% का प्रीमियम और उछाल ले लेती है, तो फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस फिर ट्रेल कर सकते हैं। तो अभी चांसेस हाई है, कल 90% चांस है कि इसमें कल अगेन हायर सर्किट लगने वाला है। आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। इसका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा गया था, बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, फाइनेंशियली ये काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। इस आईपीओ में होल्ड करना हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। अभी अपर सर्किट में क्लोज किया तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 से 4 दिन लगातार अपर सर्किट ही लगाने वाला है। आई थिंक सर पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।